लॉगरिथम। लॉगरिथम एक कैलकुलेशन का मेथड है। कैलकुलेटर से पहले या कंप्यूटर से पहले सबसे ज्यादा मुश्किल जो कैलकुलेशन होती थी वो थी मल्टीप्लिकेशन। साइंटिफिक नंबर, लार्ज नंबर, जब उनको मल्टीप्लाई करते थे तो वो एक प्रॉब्लम होता था। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता था 10 की बेस में, और फिर आप कैलकुलेशन उसको आसानी से कर मतलब मल्टीप्लिकेशन को अगर पावर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो एडिशन में बदल जाएगी। एडिशन करना कंपैरेटिवली आसान होता था। उसके बाद एडिशन करने के बाद उसको एक टेबल की मदद से रिवर्स देखा जाता था कि अब इसका एक्चुअल नंबर क्या बने। लेकिन वक्त के साथ साथ ये साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसलिए अभी भी इसकी ज़रूरत मौजूद है, वरना सिंपल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर के होते हुए लॉग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखते हैं कि लॉग एक्चुअली क्या है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि लॉग बेसिकली एक पावर का नाम है, किसी बेस की पावर। जैसे कि आप इधर देखें कि लॉगरिथम एज डिफाइंड एज एन एक्सपोनेंट, कि ये बेसिकली तो एक्सपोनेंट है। कैसे? जैसे कि आप इसे ये देखें कि 10^3 ये 1000 के इक्वल है। अगर हम लॉग की बेस रखते हैं 10 और 1000 का लॉग लेते हैं तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि 10^3 ही 1000 होता है, यानी कि ये 1000 को हमने 10^ के इक्वल लिख दिया। अगर हम इधर आए तो देखें कि इसकी नोटेशन क्या है, कि लॉग ऑफ ए इसमें आर्गुमेंट है, यानी कि जिस नंबर का लॉग लिया जाएगा, टू द बेस बी, ये बेस है, यानी कि किस नंबर की पावर्स को कन्वर्ट किया जाएगा, और जो इसका आंसर होगा वो एक्स, यानी कि ये लॉग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर को आप 10^ में ही कन्वर्ट करें, ये 2^, 3^, किसी नंबर की बेस में भी कन्वर्ट किया जाता है, और मुख्तलिफ सिस्टम्स में मुख्तलिफ बेसिस में ये होता है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जो कि इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि b^x = a है। अगर हमने इसको लॉग की शक्ल में लिखना हो तो हम ये जो b है जिसके ऊपर पावर आ रही है उसे उसकी बेस बनाएंगे, ये जो आंसर है इसका लॉग लिया जाएगा और वो इस एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। जैसे कि इसमें भी आप देखें कि 10 बेस थी, 1000 का लॉग लेना था वो 3 था। अगर हम इसे रिवर्स लिखें तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 1000 की जगह पे शिफ्ट करें, 1000 इधर ले जाएं और लॉग खत्म कर दें। देखें 10^3 = 1000। लॉग लिखेंगे तो हम इक्वल करेंगे कि 1000 का लॉग टू दी बेस 10 = 3, और इसका रिवर्स करेंगे, लॉग खत्म करेंगे तो हम बेस की पावर इस नंबर को रखेंगे जो कि लॉग आया था, तो वो इक्वल हो जाएगा इस नंबर के। स्टार्ट में तमाम लॉग जो है 10^ में होते थे, तो इन्हें नॉर्मली हम कह देते हैं कि दीज आर कॉमन लॉगरिथम, और इसको लॉग ऑफ एक्स। अगर किसी लॉग के साथ बेस नहीं लिखी हुई तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 10^ में होगा, जो कि कॉमन लॉगरिथम है। और इसके अलावा अगर कोई भी होगा तो वो मेंशन करना जरूरी है, यानी कि अगर लॉग ऑफ 4^2 इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि 2^2 हो तो 4 होता है। तो अब यहां पर देखें बेस 2 है। इसी तरीके से लॉग ऑफ 125^5 = 3, क्योंकि 5^3 125 के इक्वल है। तो इसके अलावा नेचुरल लॉग साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें बेस ई होती है और ई की वैल्यू जो कि नियरली इक्वल टू दिस, नियरली इक्वल, ई इज नियरली इक्वल टू 2.718, ये नेचुरल लॉगरिथम है जिसका साइंस में ज्यादा इस्तेमाल है। लेकिन ये हमारे आउट ऑफ कंसर्न है। नॉर्मली हम लोग 10^ को डील करते हैं या इंटेग्रल नंबर की बेस होती है, ये ई की बेस आमतौर पर साइंसेस में इस्तेमाल होती है। जो लॉज एक्सपोनेंट में इस्तेमाल होते हैं वही लॉज बेसिकली लॉगरिथम है, क्योंकि लॉगरिथम एक्चुअली इज ए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की फॉर्म है। तो इसलिए जो लॉज पावर में या एक्सपोनेंट में इस्तेमाल होते हैं वही लॉज आप लॉगरिथम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द लॉग्स, देखें अगर हम इसका लॉग लें जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, एक्स और वाई का लॉग लेना है जबकि बेस ए है, तो इसमें आप अलहदा अलहदा लॉग लेकर उनको ऐड कर लें तो ये इक्वल होगा लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। इसी तरीके से डिफरेंस, अगर लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई लेना है तो माइनस कर दें लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, और अगर एक्सपोनेंट हो यानी कि लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर तो फिर आर को कोफिशिएंट बना दें, यानी कि आर पहले निकल आएगा और ये वाला नंबर ये आगे आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करें और लॉग ऑफ एक्स ले लें। और जीरो रूल क्या है कि लॉग ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप देखेंगे जीरो का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर पर अगर पावर जीरो हो तो वन आता है। इसका मतलब है अगर किसी चीज का लॉग वन का लॉग अगर हम लेंगे तो उसका आंसर जीरो आना चाहिए क्योंकि लॉग एक्सपोनेंट है। मिसाल के तौर पे लॉग ऑफ टेन, बेस टेन रख लेते हैं हम या वन रख लेते हैं। अब आप बताएं कि टेन की कौन सी पावर है जिसका आंसर वन आएगा, तो टेन के ऊपर पावर जीरो लगाएंगे तो वन आएगा ना, तो इसका मतलब है इसका लॉग एक्चुअली किसके इक्वल है, हम एक्सपोनेंट को लॉग बनाते हैं तो ये जीरो है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि लॉग ऑफ वन टू द बेस फाइव, फाइव के ऊपर कौन सी पावर होगी जिसकी वजह से आंसर वन आता हो, तो पावर जीरो होगी तो वन आएगा, तो लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फाइव की पावर जब जीरो होगी तो ये वन के इक्वल होगा। इसी तरह बेस और नंबर अगर इक्वल हो जाए तो उसका आंसर वन आएगा, क्योंकि अगर हम कहें कि लॉग ऑफ टेन टू द बेस टेन, अब आप इसमें देखें कि टेन पर कौन सी पावर रखी जाए कि आंसर टेन ही आए, तो वो वन ही हो सकता है, तो टेन की पावर वन इज इक्वल टू टेन। चेंजिंग द बेस, अगर तो डिफरेंट बेसिस को इंटरचेंज करना हो यानी कि एक बेस से दूसरी बेस में जाना है तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए आप ये देखें लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी। अब हमने दो बेसिस इन्वॉल्व करनी है, देखिए ए को मैं लेकर आ रहा हूं, ऑलरेडी उसने दी है बेस बी, लेकिन हम एक और नई बेस में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, जो यहाँ बेस थी उसका लॉग लेंगे और बेस ए ही रखेंगे। यहाँ पर भी देखें ए है, यहाँ पर भी है, सिर्फ क्या है कि ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ये जो बेस है ये लॉग बनकर डिवीजन में चली जाएगी, जैसे लॉग ऑफ टू टू द बेस फाइव, अब हमने इसे लॉग ऑफ थ्री से सॉल्व करना है तो लॉग ऑफ टू लेंगे टू द बेस थ्री और फिर लॉग ऑफ फाइव लेंगे टू द बेस थ्री, तो ये इक्वल है। तो इस तरीके से हम एक बेस के नंबर्स को दूसरी बेस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेस को स्विच करना यानी कि लॉग जिस चीज का लिया जा रहा है वो बेस बन जाए और जो बेस है वो नंबर बन जाए। लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, जिस चीज का यहाँ लॉग लिया जा रहा था वो इधर उसकी बेस बन गई है, जो यहाँ पर बेस थी उसका लॉग लिया जा रहा है और ये रेसिप्रोकल हो गया यानी कि वन ओवर। जैसे कि लॉग ऑफ टू टू द बेस सेवन इज इक्वल टू वन ओवर लॉग ऑफ सेवन टू द बेस टू। लॉग ऑफ एट स्केयर रूट ओवर लॉग ऑफ एट ये किसके इक्वल है, देखें हम कह सकते हैं कि ये लॉग ऑफ एट स्केयर रूट है और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एट है। याद रखें कि इसमें बेस एक ही है, कोई भी बेस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेन की बेस में है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप कोई और बेस ले लें क्योंकि बेस सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा लॉग ऑफ एट की पावर वन ओवर टू ओवर लॉग ऑफ एट। तो देखें अब ये किसके इक्वल है, ये एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा
लॉग ऑफ एट ओवर लॉग ऑफ एट, तो ये दोनों कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ लॉग ऑफ ए ओवर बी प्लस लॉग ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी, देन इनमें से कौन सा ट्रू है। अब देखिए इसमें प्लस आ रहा है, इसका मतलब है इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, तो यहां पर यही रूल इन दोनों पर अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए ओवर बी इंटू बी ओवर ए, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब ये किसके इक्वल दिया गया हमें, ये दिया गया है लॉग ऑफ ए प्लस बी के, तो अब दोनों साइड पर लॉग खत्म कर दें, क्योंकि एंटी लॉग दोनों साइड पर अप्लाई होगा, लॉग खत्म हो जाएगा और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि ई आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर वाई, हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके इक्विवेलेंट। अब अगर हम इसके दोनों साइड पर लॉग ले लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स और लॉग ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। अब एक्स इसका कोफिशियंट आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू वाई, इसका कोफिशियंट बन जाएगा लॉग ऑफ बी। अब यहां से आप इसको एक साइड पर ले आए, ये हो जाएगा एक्स ओवर वाई और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ बी ओवर लॉग ऑफ ए, और इसको हम लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ बी, जो के ऑप्शन सी में दिया गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें है लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3, अब आपने इसका आंसर लेना है, तो देखें 3 की कौन सी पावर ऐसी होगी जो 27 आपको दे दे, तो 3 की पावर 3 27 होता है, इसका मतलब है इसका आंसर बनेगा 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया। जी अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें है लॉग ऑफ 10 ओवर 100 टू द बेस 10, अब इसको हम यहीं पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ 1 ओवर 10 टू द बेस 10, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 माइनस 1 टू द बेस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 1 लॉग ऑफ 10 10, जो कि ये इक्वल हो जाएगा 1, तो ये होगा माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया।